नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी शार्ट संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वर्ल्ड लाइनर है और ये महेश बनवाल के द्वारा किताब लिखी गई है। तो इसमें हम लोग जो जो विषय पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इसका टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो इसका हम लोग पार्ट वन पढ़ ली है, एक वीडियो इसमें बना लिए हैं। ठीक है, आज हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो सेकंड पार्ट बनाने से जो कि आपका भारत के प्रमुख संस्थान, ठीक है, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो भी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो इससे पहले जो कल हम पढ़े थे उसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए, तो इसको इस पार्ट को हम लोग कल पढ़ा था, ठीक है, तो इसको आज रिवाइज करेंगे। तो क्या है, भारत के प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना जो है वर्ष 2012 में की गई थी, जिसका नाम था भारती। भारतीय चावल शोध संस्थान इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका करनाल हरियाणा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च आपका कानपुर में है। ठीक है, इसका नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका मैसूर में है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है राष्ट्रीय दूध विकास परिषद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपका आनंद गुजरात में है। नेक्स्ट लाइन है आपके राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी, तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री स्थित है। ठीक है, जो उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन हिमाचल प्रदेश में है। सस्य वानिकी क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री जो है आपका राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो सस्य वानिकी क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री राष्ट्रीय शोध केंद्र आपका झांसी उत्तर प्रदेश में है। कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय हीरा संस्थान आपका इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत गुजरात में है। नेक्स्ट लाइन पढ़ना है हमें, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका धनबाद झारखंड में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कल का जो वीडियो था, कल का जो हम पढ़े थे उसको रिवाइज कर लिए। आज हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक, तो भारत के प्रमुख संस्थान इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के प्रमुख संस्थान इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, ठीक है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान तो रुड़की में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है।
केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली में है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो कि आपका देहरादून में है, भारतीय मौसम वेधशाला आपका पुणे में है। ठीक है, तो आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में, केंद्रीय भवन निर्माण रुड़की में, केंद्रीय कांच तथा मृतिका कोलकाता में, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग दुर्गापुर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली और राष्ट्रीय भू भौतिक आपका हैदराबाद, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, केंद्रीय वन आपका देहरादून, भारतीय लॉ रांची, केंद्रीय खनन एवं ईंधन आपका धनबाद, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून और भारतीय मौसम वेधशाला आपका पुणे में है। ठीक है, तो आपका जो देहरादून में है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। ठीक है, और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है, केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है, केंद्रीय भवन निर्माण रुड़की में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है, ये दोनों आपका नई दिल्ली में है एनडी। ठीक है, ये आपका हैदराबाद में है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, भारतीय लौह रांची है, केंद्रीय खनन आपका धनबाद है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे है। ठीक है, और देखते हैं कौन सा आपका मिलता है और भी, तो भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क बनारस में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, उसके बाद आपका भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपका नई दिल्ली में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक में है। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान पणजी में। ठीक है, और भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में, तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो एक बार हम देखेंगे जो आपका एक जगह कॉमन जगह पर जो है, तो नई दिल्ली में बहुत सारा संस्थान रिसर्च है। ठीक है, तो आपका भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली में है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में, तो आपका भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। इसके बाद इधर आपका है केंद्रीय सड़क
अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। उसके बाद आपका जो देहरादून में है वो है आपका दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। ठीक है, ये आपका तीन देहरादून में है, बाकी नहीं है। उसके बाद इधर आपका जो मिल रहा है बेंगलुरु, ठीक है, तो बेंगलुरु आपका पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में और भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। ठीक है, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। तो इस प्रकार हमने देखा, अब हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला था आपका केंद्रीय खाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की में है, केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून और भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। ठीक है, उसका नीचे आपका यहाँ पर दिया है केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका भावनगर गुजरात में है। तो केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो आपका जो है केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात में स्थित है। तो ये आपका आज का वीडियो था। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।